हेलो फ्रेंड, मैं दीपक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। तो फ्रेंड, आज हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं जुबिलियंट फूड वर्क शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहां पे आप देख सकते हैं स्टॉक में आपको यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाई दिया था। इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ चलता है, लेकिन आज के दिन हमें फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या डिसीजन लेना चाहिए, इस पर हम करेंगे चर्चा और आपको बताएंगे फ्रेश एंट्री के लेवल, टारगेट और स्टॉप लॉस। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखिएगा आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है, यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट यहां पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए दिखा रही है। यहां पर हमने क्या देखा, 520 515 रुपए से स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ हमें दिखाई दिया था और सपोर्ट कहां जनरेट हुआ था, लगभग लगभग 480 रुपए के आसपास स्टॉक में आपको फिर तेजी दिखाई दी थी। तो स्टॉक ऊपर कहां तक जाता है, लगभग 515 रुपए तक। यहां से स्टॉक में गिरावट होती है और एक बार फिर आप देखेंगे लगभग लगभग उसी वाले प्राइस पॉइंट पे यहां पर आपको क्या दिखाई दिया था, सपोर्ट। ये देखिएगा 480 पे यहां पर भी सपोर्ट दिखाई दिया, लेकिन यहां पर सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाया और एक बड़ी रेट कैंडल के साथ स्टॉक नीचे गिरता है और ये गिरावट स्टॉक को नीचे 420 रुपए तक गिरा देती है। फिर से स्टॉक आपको ऊपर की तरफ लेकर के जाता है। ऊपर हम देखते हैं यहाँ पर कहाँ तक की तेजी आ रही है, तो आप देखेंगे 460 रुपए से 480 के बीच में लगभग लगभग 465 रुपए तक स्टॉक में तेजी आती है। स्टॉक में फिर करेक्शन दिखता है, फिर स्टॉक आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन अब आप देखेंगे ये जो लाइन है ये इसे रजिस्ट कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन है बार बार क्या कर रही है, इसको नीचे की तरफ गिरा रही है, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ हमें स्टॉक दिखाई दे रहा है। फिर स्टॉक में तेजी, फिर स्टॉक में यहाँ पर गिरावट, फिर से स्टॉक में तेजी और यहाँ पर हमने क्या देखा, इस बार कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला। ये देखिएगा यहाँ पर स्टॉक ने कंटिन्यू कंसोलिडेट करा, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ये ब्रेकआउट यहाँ पर सस्टेन कर ही रहा था कि आज रेड कैंडल बन चुकी है। यदि ब्रेकआउट में बाइंग किया है तो प्रॉफिट तो आपको हो गया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, आज की गिरावट से अचानक से हमें यहाँ पर क्या हुआ है, नेगेटिविटी फिर से देखने को मिल रही है स्टॉक में, कहीं स्टॉक फिर नीचे ना आ जाए। तो फिर यहाँ पर रिकमेंड करूँगा अभी इतनी जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपने रिस्क लिया है ऊपर की तरफ, बाइंग किया है ब्रेकआउट पे, तो आपको नीचे की तरफ जो ग्रीन लाइन है 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है, ये आपको स्टॉप लॉस रख करके अपनी होल्डिंग कंटिन्यू करना चाहिए और टारगेट जो है शॉर्ट टर्म का वो आपको यहाँ पर 515 रुपए देखने को मिलेगा। ये देखिएगा ये रहेगा आपका टारगेट और जो 250 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी अचानक से आपको घबराना नहीं है, आपकी पोजीशन अगर प्रॉफिट में भी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। स्टॉक में आप क्या करें, होल्डिंग करना चाहिए 460 रुपये तक के यहाँ पर स्टॉप लॉस से, ऊपर की तरफ 515 रुपये का आपको यहाँ पर टारगेट रखना चाहिए। तो फिर यहीं पर करेंगे वीडियो को वाइंड अप। वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पर लाइक करके एंकरेज कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।